स्वागत है आप सबका संजीव कपूर खजाना में। मैं कपिल आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पुलाव की रेसिपी, बहुत सिंपल, जिसका नाम है सुल्ताना पुलाव। वेल, ये कोई मुगलई रेसिपी नहीं है, सुल्तान टाइप की रेसिपी नहीं है। सुल्ताना इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सुल्तानास यानी कि हमारी देसी रेजिंस जाएंगी, किशमिश वाले ये जो पुलाव बनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। एंड यू कैन एन्जॉय इट विद रायता, रायते के साथ, किसी करी के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग इसका फ्लेवर नहीं होता है, बहुत सटल फ्लेवर होता है, बहुत डिलिशियस होते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपने सुल्ताना पुलाव बनाना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, मैंने यहाँ पे चावल लिए, ये एक कप चावल मैंने यहाँ पे भिगो के रखे थे एक घंटे तक, उसके बाद मैंने इसका जो पानी है वो निकाल दिया है, तो ये सोक्ड एंड ड्रेन्ड राइस है। तो अब शुरू करते हैं हम फटाफट, पैन में झटपट तैयार हो जाएंगे। तो गैस मैं जला लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर डालूँगा थोड़ा सा घी, तकरीबन 2 चम्मच डाल देता हूँ। अगेन इसकी क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हो। तो घी मेल्ट हो चुका है पैन में, अब मैं इसके अंदर डालूंगा कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में ये सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, और थोड़ी सी जावित्री इन्हें खुशबूदार बनाने के लिए, और इसके साथ साथ मैं ऐड करूंगा एक तेज पत्ता और 2 से 3 छोटी इलायची। इलायची के दाने मैं खोल के डाल दूँगा, तो इन्हें अच्छे से मैं सौते होने दूँगा 1 मिनट तक, ताकि इनकी अच्छी से जो अरोमा है वो इस पैन के अंदर, इस घी के अंदर आ जाए। तो खड़े मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगा कैश्यूज़ यानी कि काजू, थोड़े से हल्के हल्के से ये घी के अंदर रोस्ट हो जाएंगे। और इसके अंदर इन चावलों का मेन इंग्रेडिएंट चावलों के अलावा जो है वो है सुल्तानास यानी कि रेजिंस, तो मैं अब इसके अंदर रेजिंस डालूंगा। तो ये थोड़ी सी, ये हैंडफुल, इसकी क्वांटिटी अगेन आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा मिठास पसंद है पुलाव में तो आप इसे ज़्यादा ऐड करो, अदरवाइज़ थोड़ी सी कम। और इसके साथ साथ थोड़ा इसे और कलरफुल बनाने के लिए मेरे पास ये ब्लैक रेजिंस भी हैं, काली वाली किशमिश भी है, ये भी मैं डाल दूंगा। और अच्छे से मैं इन्हें सौते होने दूंगा 1 मिनट के लिए, ताकि हल्का सुनहरा इनके ऊपर कलर आ जाए। तो ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मैं ऐड करूँगा ये चावल, और चावल ऐड करने के बाद मैं चावलों को फर्दर भून लूँगा अच्छे से घी के अंदर 1 मिनट के लिए, ताकि चावलों में भी अच्छा सा घी का फ्लेवर आ जाए। और चावल सौते करते वक्त आप ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है आपको, अदरवाइज चावल का जो दाना है वो टूट सकता है। तो ये हमारे जो चावल हैं वो बस बनने की तैयारी में हैं, और अभी से बहुत ज़्यादा ये कलरफुल दिख रहे हैं। इसमें और भी कलर्स ऐड होंगे बाद में, जब ये पकने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे। तो इसे बस हल्का हल्का मैं पहले भून लेता हूँ सिम गैस के ऊपर, लो फ्लेम के ऊपर। तो चावल अच्छे से भुन गए हैं, अब नेक्स्ट मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगा, जस्ट इनफ, उतना जितना कि चावलों को पकने के लिए बहुत हो, क्योंकि चावल जो है मैंने 1 घंटे तक भिगो के भी रखे थे। अच्छा जी, तो इसके अंदर और एक चीज मैं ऐड करने वाला हूँ स्टेज पे, वो है ये जिंजर जूलियंस यानी कि अदरक के लच्छे, और थोड़ी सी मेरे पास यहाँ पे स्लिट की हुई हरी मिर्चें हैं, तो ये भी मैं ऐड कर देता हूँ। हल्का सा इसके अंदर स्पाइसी एक टच आ जाएगा, हालांकि ये चावल बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होते हैं पुलाव। एक बार मैं स्टर कर देता हूँ, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ तो रह गई, नमक। और एक बार स्टर करके इसे मैं अब कर दूंगा कवर, ढक के मुझे इसे पकाना है तब तक जब तक चावल जो है वो अच्छे से फुल डन नहीं हो जाता। और एंड में इसके अंदर जाएगा गरम मसाला, बहुत हल्का सा, थोड़ा सा हम डालेंगे, बट इसका कमाल जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा इन चावलों के अंदर। मैक्सिमम फ्लेवर इस मसाले के अंदर है, क्यों? क्योंकि जो इसके जो सारे मसालों के जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो इसके अंदर इंटैक्ट रखे गए हैं, बरकरार रखे गए हैं, मैक्सिमम फ्लेवर्स मसालों का एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक स्टर कर देता हूँ, अच्छे से मिक्स कर देता हूँ गरम मसाले को भी चावलों के अंदर, और अब बस कुछ नहीं करना, अब इसे हम मैं ढक दूंगा और पकने के लिए छोड़ दूंगा 10 मिनट के लिए तकरीबन, तब तक जब तक चावल जो हैं वो फुल डन नहीं हो जाएंगे। तो अब चावल पक चुके होंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है घी की और काजू की और किशमिश की। अब गैस कर देता हूँ मैं बंद, क्योंकि पानी अच्छे से सूख चुका है और चावल जो है वो बन चुके हैं। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर,
स्टेप्स अभी भी बाकी हैं। थोड़े से इंग्रेडिएंट और हैं। यहाँ पे मेरे पास है ब्राउन अनियन, यानी कि ये प्याज है ब्राउन किए हुए, तले हुए। तो ये हैंडफुल लेके अच्छे से मैं इसके अंदर डाल दूंगा। इसके साथ साथ इसमें फ्रेशनेस देने के लिए मेरे पास ये हैं पुदीने के पत्ते, यानी कि मिंट लीव्स। इन्हें मैं हाथों से ही इस तरीके से तोड़ के मैं डाल दूंगा। फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया, बिल्कुल ज़रा सा। और इन सब चीज़ों को मैं अब कर देता हूँ सुल्ताना पुलाव के अंदर मिक्स, और पुलाव जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब क्या करेंगे, सर्व करने का टाइम। अब इसके ऊपर हल्की सी अगर गार्निशिंग भी हो जाए तो इसका मज़ा जो है वो डबल हो जाएगा। तो गार्निशिंग करने के लिए मेरे पास ये कुछ ये ब्राउन अनियन जो है ये मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, और ये मेरे पास है कुछ काजू, इन्हें मैंने रोस्ट करके रखा है। तो ये भी गार्निशिंग के अंदर जाएंगे और ये चार चांद लगा देंगे सुल्ताना पुलाव में। और ये पुदीने के पत्ते दो तीन मैं लूँगा और इन्हें भी मैं एक्स्ट्रा कलर के लिए यहाँ पर लगा दूँगा। और इसके साथ साथ एक दो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और थोड़े से ये जिंजर जुलियन एक दो बस। तो ये सुल्ताना पुलाव आप सबके लिए हाजिर है। आप बनाएं इसे गर्मा गर्म, परोसे किसी ठंडे ठंडे रायते के साथ आपके मनपसंद। इसका स्वाद जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बच्चों के लिए वेल ये बहुत ही एक अच्छी डिश है, क्योंकि स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है, माइल्ड है, और आप अपनी पसंदीदा करी के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो बनाएं, मुझे लिख भेजें इसका फीडबैक, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे चैनल संजीव कपूर खजाना को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं कपिल, मुझे आप इजाज़त दीजिए, लेकर आता हूँ आपके लिए और भी कमाल की ढेर सारी डिशेज। तब तक खाते रहो, खिलाते रहो, परोसते रहो, और टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।